पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। इस दौरान वार्ड 16 में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के शुभ अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त और पूर्व बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता रहे। इस अवसर पर भाजपा पार्षद प्रत्याशी कविता गुप्ता ने भी अपने समर्थकों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। कविता गुप्ता ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर बोलते हुए कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मनुष्य को एक सीख दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश देते हुए कहा है कि मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस साल हम जहां आजादी के अमृत काल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। ये भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डाइवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। अद्वितीय था, अद्भुत था। 2014 से जब से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी बने हैं, तब से प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को ठीक 11 बजे मन की बात का जो क्रम चला, आज उसको शतक के रूप में परिवर्तित किया गया है, पूरा किया गया है। माने ये शताब्दी समारोह के रूप में पूरे देश ने मनाया है। तो इस बुद्धि विहार के इस वार्ड ने भी, वार्ड नंबर 16 ने भी यहाँ इस स्थान पर भारी संख्या में उपस्थिति में इस आयोजन को, मन की बात को सभी ने सुना है। आज मन की बात कार्यक्रम था जो कि बहुत ही अच्छा रहा, और यहाँ पर आदरणीय गुरुजी हमारे बेस्ट जी आए हुए थे, और डॉक्टर विशेष गुप्ता जी भाई साहब, देवराज सिंह भाई साहब, और ज़्यादा संख्या में सभी कार्यकर्ता भाई बहन सभी आए। तो प्रधानमंत्री ने महिलाओं को लेकर सीधी एक बात कही है, किस तरह से उन्होंने सशक्तिकरण को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू करके जो मोदी जी ने बेटियों के लिए जो बढ़ावा दिया है बहुत ही सराहनीय है। और मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने हमेशा महिलाओं के लिए बढ़ चढ़कर सोचा है, और हमेशा उनके सुरक्षा के बारे में बात की है। हमारे योगी जी ने भी हमेशा महिलाओं को सुरक्षा दी है, और आगे बढ़ाने के पूरे प्रयास उनके जारी हैं और चल रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।